लगातार कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दस्तक दी है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 25 दिसंबर को देश में JN1 कोविड वेरिएंट के 70 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे अधिक मामले प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गोवा से आए हैं, जहां इस वेरिएंट के 40 मरीज मिले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 9, कर्नाटक में 10, केरल में 6, तमिलनाडु में 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए हैं। इसी क्रम में पहला मरीज यूपी के मुरादाबाद में पॉजिटिव मिला है, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेशन कर दिया है। मुरादाबाद CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि 70 वर्षीय उज्जवल गुप्ता 21 दिसंबर को केरल से मुरादाबाद लौटे हैं, जो पेशे से CA हैं। गले में दर्द होने की शिकायत होने पर उनकी जांच कराई गई तो कोविड JN1 कोविड की पुष्टि हुई है। कोरोना का यह नया सब वेरिएंट JN1 भारत में तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 670 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। मुरादाबाद CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, जरूरी हो तो बाहर मास्क लगाकर निकलें, हाथों को बार बार धोते रहें और सतर्क रहें। आज उज्जवल गुप्ता, जो कि 27 वर्ष के युवक हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो कोविड से पॉजिटिव रिपोर्ट में आए हैं। मेरे द्वारा स्वयं उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो केरल गए हुए थे, केरल से 21 तारीख में लौटे तो उनके गले में दर्द, बुखार तथा वो कमजोरी महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जांच कराई जो कि पहले निगेटिव आई थी। 25 तारीख के दिए गए फिर से जो सैंपल उन्होंने दिया वो पॉजिटिव आया है। होम आइसोलेशन में हैं और इस समय पूर्णतः स्वस्थ उन्होंने मुझे बताया है। मेरे द्वारा उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं उन सब की टेस्टिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमारे द्वारा विभाग की तरफ से जिला अस्पताल में MCH विंग में हमने 35 बेड सारे के सारे ऑक्सीजन से जो जहां पर सप्लाई मौजूद है और समस्त दवाइयों के साथ सुरक्षित कर दिए हैं तथा चिकित्सकों की ड्यूटी लगा दी गई है। जो भी मरीज हमारे पास इलाज के लिए आएगा हम उसको तुरंत भर्ती कर इलाज करेंगे। मेरी तरफ से मैं जनमानस से यही अपील करता हूं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अपने हाथों को बार बार धुलते रहें। जरा सी भी कोई परेशानी महसूस देती है, कोई लक्षण आपको महसूस देता है, तब आप हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल में आके जांच करा सकते हैं।